चलो क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ, कल जो क्वेश्चन दिया था वो करा सभी बच्चों ने? क्या क्वेश्चन था कल आपका? थ्री कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स दे रखी थी आपको, ठीक है। इस पे चार्ज माइनस क्यू था, इस पे चार्ज टू क्यू था, और इस पे चार्ज कितना था आपका? थ्री क्यू था। इसकी रेडियस आर थी, इसकी रेडियस टू आर थी, और इसकी रेडियस 3R थी, ठीक है। हाँ, ये A, ये B और ये C, A और C को सीधा कनेक्ट कर रखा था किसी कंडक्टिंग वायर से। A और C को, A एंड C आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। दो ऐसे 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 रिंग बनी हुई है, A से वायर उठाई और सीधे C को कनेक्ट कर दी। B से उसका कोई रोल नहीं है, कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। और B को अर्थ कर रखा था, B को क्या कर रखा था? अर्थ, ठीक है। B को क्या कर रखा था? वहां से अर्थिंग कर रखा था। तो आपसे पूछा था फाइंड द चार्ज, फाइंड क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी, ठीक है। मान लिया, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू ए, इस पे चार्ज कितना होगा क्यू बी, और इसके पास चार्ज कितना होगा क्यू सी। इनिशियली तो चार्ज कितना है? माइनस क्यू, टू क्यू और थ्री क्यू। लेकिन जब हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे या अर्थिंग कर देंगे तो सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक पॉइंट के ऊपर चार्ज क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है? ए और सी कनेक्टेड है किसी कंडक्टिंग वायर से। तो देखो क्यू ए प्लस क्यू सी, जब वायर से कनेक्ट करेंगे, देखो दो सेल है, ये एक सेल है, एक सेल है। इस पे चार्ज मान ले कितना है? माइनस का क्यू, और इस पे चार्ज कितना है? प्लस का थ्री क्यू। जब एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे इनको, तो कल बताया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज इनिशियल बराबर होगा फाइनल के। टोटल चार्ज इनिशियल बराबर होगा किसके? फाइनल के। तो क्या लिखेंगे? 3q माइनस q, तो qa प्लस qb किसके बराबर हो गया? 2q के। ये नंबर वन इक्वेशन आ गई आपके पास, एक इक्वेशन बन गई बेटा ये नंबर वन। देखो a और c सीधा एक वायर से कनेक्ट है, तो कल भी बताया था आपको चार्ज बिफोर शेयरिंग बराबर होगा आफ्टर शेयरिंग के, यस, ठीक है। तो चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर होगा किसके? टू क्यू के, यस। अब आगे देखिए, सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है कि बी को अर्थिंग कर दिया, तो बी को अर्थिंग कर दिया तो बी के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। ये अर्थिंग की कंडीशन में समझाया था कि जिस सरफेस को हम अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा बच्चों? जीरो बन जाएगा। तो पोटेंशियल एट बी निकालते हैं, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? देखो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण होगा, तो क्या आएगा? के क्यू ए बाई टू आर। अरे देखो ये सेल है ए, ए के कारण बी पे, तो डिस्टेंस बी तक कितनी है? टू आर, ठीक है। इसी तरह इसके कारण कितना हो जाएगा? टू क्यू क्यू बी, बी के कारण तो टू आर रहेगा ही है, और सी के कारण बाई थ्री आर। अरे इस सरफेस पे पोटेंशियल निकालेंगे, इसके जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, ठीक है। इसके लिए यहां निकालेंगे तो ए अंदर वाली सेल पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगी, और इसके इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? के क्यू बी बाई टू आर। कितना आ जाएगा? के क्यू बी बाई टू आर। अब इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या है बच्चों? जीरो। तो के क्यू ए बाई टू आर प्लस के क्यू बी बाई टू आर प्लस के क्यू सी बाई थ्री आर, ठीक है। अब यहां से देखो क्या बचेगा, ये तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक साइड में, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका? क्यू ए बाई टू प्लस क्यू बी बाई टू प्लस के, अरे ये सब कॉन्स्टेंट है ना, टू और के, टू और के को जीरो की साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? जीरो। क्या बनेगा? क्यू सी बाई थ्री बराबर जीरो। ये नंबर टू इक्वेशन बन गई।
ये कहां से बनी? जब आपका बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों? जीरो। जब आपका बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आपका जीरो। तब आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी से, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? कि ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड है। यस, तो जो पोटेंशियल ए पे होगा वही पोटेंशियल सी पे होगा। दोनों एक वायर से कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल ए पे होगा वही पोटेंशियल किस पे होगा बेटा? सी पे। तो पोटेंशियल एट ए बराबर होगा पोटेंशियल एट सी पर। पोटेंशियल एट ए बराबर होगा पोटेंशियल एट सी पर, ठीक है। तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा, एक बार इसको नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू क्या आई आपके पास? यहाँ पे ये क्यू वाई, इसको टू से मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो ये बनेगा थ्री क्यू ए प्लस थ्री क्यू बी प्लस टू क्यू सी बराबर जीरो। अरे ये एलसीएम ले लेंगे ना यहाँ से, तो ये बनेगा थ्री क्यू ए थ्री क्यू बी प्लस थ्री क्यू सी बराबर जीरो। हाँ, यहाँ पे ये एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यस, अब मैं इसको हटा रही यहाँ से। अब ए और सी को एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, ये नंबर टू इक्वेशन आ गई। अब ए और सी को एक वायर से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ए पे होगा वही पोटेंशियल बच्चों कहाँ पे होगा? सी पे। तो पोटेंशियल एट ए बराबर होगा पोटेंशियल एट सी पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू है ये। अरे क्यू ए बाय, ये आया था ना अभी बी के ऊपर, क्यू ए बाई टू क्यू बी बाई टू और क्यू सी बाई थ्री। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही तो मिलेगी ना। हाँ, अभी जो आया था तो एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो यही आएगी बेटा, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए। हाँ, तो पोटेंशियल एट ए, ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बच्चों? देखो, अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। यस, तो ए पॉइंट पे देखो, ये है ना ए इनर सेल, तो इनर सेल पे पोटेंशियल क्या आएगा? क्यू ए बाई आर प्लस बी पॉइंट के अराउंड पोटेंशियल क्या होगा? जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, के क्यू बी बाई टू आर प्लस सी के कारण के क्यू सी बाई थ्री आर बराबर। ये पोटेंशियल ए पे आया है। अब मैं इसको इधर लिख रही हूँ, नीचे इधर आगे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। तो सी पे पोटेंशियल निकालो। अब सी पे पोटेंशियल क्या आएगा? के क्यू ए बाई थ्री आर। देखो इस पे ये दोनों एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगी, ये दोनों कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए पॉइंट चार्ज। हाँ, के क्यू बी बाई थ्री आर प्लस के क्यू सी बाई थ्री आर, ये पोटेंशियल सी पर है, ठीक है। एक बार इतना लिखो, फिर मैं हटाती हूँ यहाँ से, मैं इसको इधर लिख रही हूँ। देखो एक बार, मेरे पास क्या है? VA बराबर VC, ये पोटेंशियल आया VA पर, अभी इतना ही लिख लो, और ये पोटेंशियल आया है आपका VC पर। अब आपको पता है कि VA बराबर होता है बच्चों VC के। VA किसके बराबर है? VC के बच्चों। तो VA पे क्या आया पोटेंशियल? के क्यू ए बाई आर प्लस के क्यू बी बाई टू आर प्लस के क्यू सी बाई थ्री आर बराबर के क्यू ए बाई थ्री आर प्लस के क्यू बी बाई थ्री आर प्लस के क्यू सी बाई थ्री आर। अब के से के सबकी कैंसिल हो जाएगा, आर से आर भी थ्रो आउट क्या हो जाएगा? कैंसिल। के से के भी बच्चों कैंसिल, और आर से आर भी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे कैंसिल। तो क्या मिलेगा? क्यू ए प्लस क्यू बी बाई टू प्लस क्यू सी बाई थ्री क्यू सी बाई थ्री बराबर क्यू ए बाई थ्री प्लस क्यू बी बाई थ्री प्लस क्यू सी बाई थ्री। ये इक्वेशन मिल जाएगी, इसको नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। कुछ नहीं करा, बस ए और सी पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर रख दिया। ए और सी पॉइंट पर पोटेंशियल को ए ओ पे भी पोटेंशियल निकाल लिया और सी पर भी, ठीक है बच्चों, और दोनों को आपस में इक्वल पुट कर दिया, तो मेरे पास ये निकल के आ गया। इतना नोट करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया। अब इधर मैं इधर से हटा रही हूं,
ठीक है, तो इनको सोल्व कर लो आप आपस में ना। हाँ आप सोल्व करोगे, मैं ऊपर से इसको बैठा दू, डायग्राम को बैठा रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ जब आप सोल्व करोगे तो देखो ये क्या आपके पास क्यू ए और ये क्यू ए बाई थ्री, इधर है क्यू ए इधर है क्यू ए बाई थ्री, एक साइड ले आओ, इधर है क्यू बी बाई टू और इधर है ये माइनस का क्यू बी बाई थ्री, ठीक है। इधर है ये क्यू सी बाई थ्री, ये क्यू सी बाई थ्री, क्यू सी बाई थ्री यहाँ है, क्यू सी बाई थ्री ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यू सी बाई थ्री यहाँ है, क्यू सी बाई थ्री की यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अरे ये इधर आएगा तो क्यू सी बाई थ्री ये आपस में जीरो, ये आपस में कैंसिल, तो ये क्या मिला देखो, इसको दोनों का एलसीएम ले होगा यहाँ से, तो थ्री क्यू ए माइनस का क्यू ए बाई थ्री, इन दोनों को सोल्व करा, इनको करूंगी तो एलसीएम सिक्स, थ्री क्यू बी माइनस का टू क्यू बी बराबर जीरो, ठीक है। इसको हटा रही नीचे से मैं, तो ये आया मेरे पास टू क्यू ए बाई थ्री प्लस क्यू बी बाई सिक्स, इसको भी सोल्व कर लो, सिक्स से थ्रो आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम आप सिक्स ले लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम सिक्स लोगे तो ये बना थ्री, तो फोर क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर जीरो, तो आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई है, फोर क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर जीरो। अरे सिक्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो, ये सिक्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, जीरो। नोट करिए एक बार इसको, ठीक है, समझ आ गया सबको, इतना बताइए, इतना सबको क्लियर। देखो फिर से बता दूं आपने क्या करा है, फिर से नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ ये वाला पॉइंट किसी को नहीं आया तो। आपके पास ये सिचुएशन थी, आपने ए और सी को वायर से कनेक्ट कर दिया, हाँ तो पोटेंशियल एट ए बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट सी के, हाँ पोटेंशियल एट ए बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट सी। ए पे पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आएगा, के क्यू बाई, ये रेडियस है आर, ये रेडियस है टू आर और ये रेडियस है थ्री आर, ठीक है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर, बी पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाई टू आर, सी पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू सी बाई थ्री आर। इसी तरह जब आपके पास सी पे पोटेंशियल निकालोगे तो के क्यू ए बाई थ्री आर प्लस के क्यू बी बाई थ्री आर प्लस के क्यू सी बाई थ्री आर, ठीक है। अरे सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे ना आप लोग, हाँ हाँ कुछ इतना ही आंसर आ जाएगा, हर सही है, लगभग लगभग सही है, ठीक है। हाँ अब ये कैसे के कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बचा क्यू ए आर से आर बी कैंसिल, मैं फिर से बता रहा हूँ कोई मिस्टेक होगी हो तो, क्यू ए प्लस क्यू बी बाई टू प्लस क्यू सी बाई थ्री, क्यू ए बाई थ्री प्लस क्यू बी बाई थ्री प्लस क्यू सी बाई थ्री। फिर से देख लो, गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्यू सी बाई थ्री से क्यू सी बाई थ्री कैंसिल, हाँ सही है अर्श। अब यहाँ से इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को आपस में क्या कर लो बच्चों, यहाँ से सोल्व कर लो, तो ये बना कि आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, ये क्या बना क्यू ए माइनस क्यू ए बाई थ्री और ये क्यू बी बाई थ्री माइनस का क्यू बी बाई टू। मैं फिर से बता रही हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये बना थ्री माइनस का टू, तो ये बना टू क्यू ए बाई थ्री और ये इधर है आपके पास सिक्स एलसीएम आएगा, तो ये थ्री क्यू बी माइनस का थ्री क्यू बी, ये टू क्यू बी माइनस का थ्री क्यू बी, तो ये बना आपके पास यहाँ से टू क्यू ए बाई थ्री माइनस का क्यू बी बाई सिक्स, तो ये इसको इधर लिया हो आप लोग यहाँ से एलसीएम, इसको इधर लाओगे तो टू क्यू बी बाई थ्री प्लस क्यू बी बाई सिक्स बराबर जीरो, एलसीएम सिक्स तो फोर क्यू बी
प्लस क्यू फोर क्यू ए फोर क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर जीरो। समझ आ गया इतना? हाँ, एक बार फटाफट दोबारा से बता दिया है तो आपके पास देखो तीन इक्वेशन बन गई बेटा यहाँ से। यस, तो आपके पास क्या आया, ये तीसरी इक्वेशन क्या आई यहाँ से, फोर क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर जीरो। ठीक है, देखो अब आपके पास तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन है क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर टू क्यू, एक इक्वेशन है थ्री क्यू ए प्लस थ्री क्यू बी प्लस टू क्यू सी बराबर जीरो, एक इक्वेशन है फोर क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर जीरो। देखो तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है बच्चों और तीन ही क्या है वेरिएबल, इनको आपस में क्या कर लो, सोल्व कर लो। सोल्व कर लोगे बताओ, ये तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल है तो लगभग आपका आंसर 11 नीचे जरूर आएगा, वो सोल्व कर लेना, हर्ष का आंसर लगभग ठीक आ रहा है शायद। यस, सोल्व कर लोगे या सब करके बताऊं, सॉल्यूशन कर लोगे इसका या करके बताऊं, बताइए जल्दी से। आंसर लगभग ये 4q by 11 आएगा, एक से आगे 16 48 by 11 एक 16 by 11 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा, कर लोगे? ठीक है, हाँ आंसर देख लेना, लगभग लगभग 4q by 11 16 by 11 सॉल्व करके देख लेना और ये 14 by 11 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा। यस, ठीक है, ओके ओके, कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये आपके पास ये अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, दो सेल दे रखी है आपको, ए होलो अनचार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, ए पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एवरीवेयर, किसने पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है, अज्यूम एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज जीरो, ये क्वेश्चन में गिवन है, अज्यूमिंग दैट एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज जीरो, क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा कि ये एक कंडक्टर है, देखो ये मेटलिक कंडक्टर है बीच में, ये मेटलिक कंडक्टर है बीच में, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये मेटल है, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, मेटल है, ये क्यू चार्ज इस कैविटी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है। मैं क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज बोल देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में कहा है होलो अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस इनसाइड द कैविटी, फाइंड द पोटेंशियल एवरीवेयर, अज्यूम एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है, एवरीवेयर का मतलब मान ले आपके पास यहाँ पे भी पोटेंशियल बताइए, आपको पोटेंशियल यहाँ भी बतानी है, आपको पोटेंशियल, अरे सेल में निकाल देते ना तीन जगह, पोटेंशियल अंदर, पोटेंशियल सरफेस पे, पोटेंशियल आउटसाइड, तो तीन केस बन गए हमारे पास, अब यहाँ पे तीन केस बनेंगे। पहला केस है बेटा जब आप ये पहला केस देखो, पहला केस देखिए आपके पास, देखो ये मेटल है तो इसके अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, जीरो। एक बार ध्यान से सुनिए बेटा, ये मेटल है तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, और पोटेंशियल क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, मतलब जितनी पोटेंशियल इस सरफेस पे होगी उतनी इस पे होगी, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, जीरो। पोटेंशियल एवरी पॉइंट पर क्या है, कॉन्स्टेंट, जितनी पोटेंशियल इस सरफेस पर होगी उतनी इस पर होगी, तो इसको आप कंसिडर करो चाहे मत करो, मैं दोबारा से बनाती हूँ, ये क्यू चार्ज रखा हुआ बेटा, ठीक है, ये रेडियस ए है और ये रेडियस बच्चों बी है, ये अंदर मेटल है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इस रीजन में, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट, तो मेटल के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट,
जाएगा पॉजिटिव क्यू। अब देखो अब यहाँ पे तो मैं कह रही हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, क्योंकि ये मेटलिक रीजन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये रीजन मेटलिक है, तो इसके जितना पॉजिटिव ये उतना ये लिखो तो लिखो, लेकिन अदरवाइज इसके कारण नेट पोटेंशियल क्या बन जाना आपका, जीरो। हाँ, इन दोनों सरफेस के कारण नेट पोटेंशियल क्या बन जाना है बच्चों, जीरो। लिखो तो आपकी मर्जी, ना लिखो तो आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ, ये इसके नेगेटिव, जितना इस नेगेटिव के कारण, क्योंकि ये मेटल है ना, ये मेटलिक सरफेस है, तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। जितना इस प्लस क्यू के कारण होगा उतना ही इस माइनस क्यू के कारण, तो नेट पोटेंशियल क्या बन जाएगा बच्चों, आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, अब सुनिए, अब सुनो, ये आपको एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब तीन रीजन। सबसे पहले बात करते हैं आर ग्रेटर देन बी पर, पहला केस कि ये जो पॉइंट है आर आपका बेटा, आर पॉइंट आपका ग्रेटर देन बी, ये माने आर पॉइंट यहाँ पे है, आर पॉइंट बी से ज्यादा है, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेल इस पी पॉइंट के लिए कैसे ट्रीट करेगी, एज ए पॉइंट चार्ज, ये दोनों सेल इसके लिए कैसे ट्रीट करेगी एज ए पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्केयर, और पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई आर। जब आपका आर ग्रेटर देन बी है, जब बच्चों आर ग्रेटर देन बी है, आर ग्रेटर देन, टोटल चार्ज तो क्यू ही है ना बेटा, टोटल चार्ज तो क्यू ही है ना, जितना नेगेटिव इसके कारण उतना पॉजिटिव, तो नेट चार्ज तो क्यू ही बचेगा, तो आउटसाइड में ये पूरा, अब ये ऐसी सिचुएशन बन गई कि ये क्यू चार्ज और इस पी पॉइंट पर आप यहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहे हो जब आर ग्रेटर देन बी है, तो ये दोनों कैसे ट्रीट करेगी एज ए पॉइंट चार्ज। लिखोगे तो अभी जितना इस नेगेटिव के कारण उतना इस पॉजिटिव के कारण, जितना इस नेगेटिव के कारण उतना इस पॉजिटिव के कारण, तो सिर्फ नेट इस क्यू के कारण ही तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी बाहर। बाहर जो है, जो सेंटर की कैविटी पे क्यू चार्ज रखा है, तो सिर्फ उसके कारण ही बच्चों पोटेंशियल होगी बाहर। इतनी बात क्लियर बच्चों, ठीक है। हाँ, जब बात करें सरफेस पर, सरफेस में भी कुछ नहीं, दूसरा केस आर बराबर बी कह दू तो क्या बनेगा, बस के क्यू की जगह बी, आर की जगह बी लिख दो, के क्यू बाई बी। यहां तक कुछ नहीं था, यहां तक बच्चों कुछ भी नहीं था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, यस। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इसको नोट कर लो एक बार। हाँ, अब तीसरे केस पर आते हैं, तीसरे केस में देखो, पहले देखो आउटर में तो ये सेल एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करेगी, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं थर्ड केस, हटा दो इसको, थर्ड केस के लिए देखो, थर्ड केस में देखो बेटा, जब आर लेस देन है किससे, बी से, सॉरी आर लेस देन है ए से, तीसरा केस है आपका आर लेस देन ए, आर लेस देन ए का मतलब आपका ये क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, अब आर ये डिस्टेंस है ये, और ए ये पूरे स्फीयर की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस अब आपकी आर है। देखो ये स्फीयर है, बड़ा सा बनाती हूँ, ये ए है और आप यहाँ पे कहीं है, ये आर है आपकी, यहाँ पे है ये। अब ये सिचुएशन क्या बनी कि जब आर लेस देन है किससे, ए से, ये सिचुएशन कौन सी बनेगी जब आर लेस देन है किससे आपका, ए से, ठीक है। हाँ, तो अब आपको इस पी पॉइंट पर, अब ये सेल है देखो, ये बाहर वाले रेडियस भी है, बड़ा सा बना के दिखा रही हूँ, यहाँ पे चार्ज कैसा है नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज कैसा है आपका पॉजिटिव, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल जितना इसके कारण उतना उसके कारण, लिखो या मत लिखो, क्योंकि मेटल है तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट, जितना इस सरफेस पे होगा उतना ही सरफेस पे, तो इस सरफेस के कारण पॉजिटिव होगा, तो इस सरफेस के कारण नेगेटिव, तो नेट क्या बन जाना इन दोनों के कारण, जीरो। लिखो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो, इसलिए मैं सीधा सीधा लिखती हूँ। इतनी बात क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं इस केस में आ रही हूँ। तो मैं इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगी, पी पॉइंट मान लिया यहाँ पे, देखो अंदर यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मैं दोबारा से बनाती हूँ, देखो बड़ा सा करके बना रही हूँ, कि ये आपका एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, ये ए रेडियस और ये बी रेडियस, ये क्यू चार्ज अंदर रखा हुआ है आपको, यहाँ पे कहीं ये मान लिया आपने आर रेडियस, ठीक है, इस क्यू के कारण इस इनर वाले सरफेस पे चार्ज
सरफेस पे होगा, इस सेल के जितना सरफेस पे होगा उतना ही तो हर एक पॉइंट पे अंदर होगा। जो पोटेंशियल बच्चों सरफेस पे होगा उतना ही हर एक पॉइंट पर अंदर होगा, ठीक है। फिर इसके कारण होगा आपके पास, इसके कारण पोटेंशियल क्या आ जाएगा, KQ by B प्लस KQ by B। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास एट द पॉइंट P, इनर्स पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट P क्या आ गया, ये आ गया। समझ आया इतना सबको? अब देखो, सब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी V वर्सेस R के साथ। मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगी तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ये आपका सरफेस है, देखो ये आपका A रेडियस, जैसे मैं स्फीयर बना देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा बना के दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये स्फीयर नीचे बना देती हूँ, नीचे देखो, एक मिनट। ये स्फीयर है बेटा, देखो ये, तो ये इसकी A रेडियस यहाँ पे, और यहाँ पे है बच्चों इसकी B रेडियस। एक साइड से डिस्कस कर लो, सेंटर से। तो सेंटर से ये रेडियस है बच्चों A, और ये रेडियस आपकी B। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है, ऊपर बनाऊं, इधर बनाती हूँ, इधर दिख रहा होगा ना, इधर से लिख लिया। देखो फिर से बना रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ, देखो यहाँ देखो, इधर बना रही हूँ, देखो ये आपका V और ये आपका R। तो देखो आपने, ये आपका शियर है, ये है ना सेल, तो सेल का ये सेंटर मान लू मैं, ये सेंटर मान लू यहां से, तो सेंटर से ये रेडियस A और सेंटर से ये वाली रेडियस आपकी B, ठीक है। हाँ हाँ सुनो, आप देखो यहां से, जब आप इस सेल के इधर देखो, ये सेल है, जब इस सेल में आप बाहर जा रहे हो, हाँ हाँ, जब आप इनर सरफेस पे हो तो पोटेंशियल कैसे वैरी करेगा, ऐसे वैरी करेगा पोटेंशियल, यहां से ऐसे वैरी करेगा, यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और फिर से पोटेंशियल ऐसे जाएगा, फिर से पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास, ये ऐसे क्या करेगा आपका, वैरी करेगा, ठीक है। देखो कैसे, ये पोटेंशियल क्या है, ये वाला पॉइंट पर वीपी पे, और ये बाहर क्या था, केक्यू बाई आर, बाहर क्या था, बाहर आउटसाइड में। देखो यहां तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया ए और बी रीजन में, तो देखो ये ए रीजन, ये बी रीजन, तो ये तो मेटल थी ना यहाँ पे, तो बेटा तो ए और बी के बीच में तो पोटेंशियल कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, और ये देखो इस तरीके से वैरी करता आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ए बी के, और अंदर क्या है बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो फिर ऐसे जाएगा, तो ये ग्राफ का वेरिएशन ऐसे आएगा आपका। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करें आप, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या आएगा, ये रेडियस ए और ये बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी कुछ ऐसे ही आएगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन इस रीजन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो अभी बताया था कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, ये ए और ये आपका बी, तो यहां इस बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो यहां पे इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो, इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, यहां पे जीरो। समझ आया? फिर से बताओ क्वेश्चन, बोलो रिपीट करूं या समझ आ गया बेटा, फटाफट एक बार रिपीट कर दो, शायद रिपीट करो क्वेश्चन को, एक बार रिपीट कर दो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट रिपीट करती हूँ। हाँ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रिपीट करती हूँ दोबारा से। देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार फटाफट देखो, देखो क्वेश्चन क्या था बेटा, कि ये आपके पास एक मेटलिक सरफेस है, सेल है, हाँ सुनो, इसका एक रेडियस ए है, ये रेडियस बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बताती हूँ, सुनो, नहीं आया अच्छे से, हाँ हाँ रिपीट करती हूँ निहारिका बेटा, देखो हाँ सुनो, इस क्वेश्चन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, सुनिए ध्यान से। ये क्यू चार्ज बच्चों यहाँ रखा, ये मेटलिक रीजन है, तो यहाँ
क्योंकि इनर सेल बच्चों कैसे ट्रीट करेगी एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, और पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर। जब आपने बी सरफेस पे बात करी तो सिर्फ आर की जगह बी रख दो, के क्यू बाई आर बी स्केयर और बी की वैल्यू के क्यू बाई आर बी। जब आप अंदर आए फिर आप पी पॉइंट को यहां अंदर आ गए कहीं पे, तो आपकी पोटेंशियल ये आई। तो जब आप ग्राफ बनाओगे बेटा, जब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि ये रेडियस ए और ये रेडियस बी, ठीक है। हाँ, तो जब यहां से आप यहां तक जाओगे, यहां तक, तो ये पी पॉइंट के कारण जो पोटेंशियल होगी और अंदर यहां पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट, और फिर बाहर ऐसे वैरी करेगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे वैरी करेगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेंटर में बीच में, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों, जीरो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा, जीरो, और यहां पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बताओ निहारिका बेटा समझ आया? निहारिका बेटा आपको डाउट था, समझ आया बेटा? एक बार रिस्पॉन्स करें निहारिका बेटा। निहारिका कहाँ गई? निहारिका, निहारिका रिस्पॉन्स करो बेटा, आया या नहीं आया? एक होते हैं बेटा यूनिकनेस थ्योरम, निहारिका डिस्कनेक्ट हो गई क्या? आ गया, ठीक है, आप सुनिए। एक है बेटा यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है सुनिए ध्यान से। यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है बेटा आपको सुनिए, ये थ्योरम कहती है कि सिग्मा वन आर वन बराबर होगा सिग्मा टू आर टू के, मतलब सिग्मा आर बराबर कांस्टेंट होगा, मतलब कि सिग्मा आर किसके बराबर है, कांस्टेंट के। कैसे? उसने कहा कि आपके पास ये एक कंडक्टर है, ये क्या है बच्चों, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा गया, इस कंडक्टर को क्या दिया, क्यू चार्ज। तो देखो ये बड़ा रीजन है तो यहाँ पे तो चार्ज फैल जाएगा, और ये छोटा रीजन है तो यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, क्योंकि सिग्मा किसके बराबर होता है बेटा, क्यू बाई ए के, मतलब सिग्मा क्यू ए की वैल्यू फोर पाई आर का स्केयर। अगर आर ज्यादा है तो डेंसिटी कम, जैसे मैं यहाँ पे एक स्फीयर बनाऊं इस रीजन में तो उसकी रेडियस मान ले आर वन है, यहाँ पे कहीं बनाऊंगी तो इसकी रेडियस बड़ी बन जाएगी। तो देखो अगर रेडियस कम है तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो देखो ये रीजन कंजेस्टेड सा हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। माने यहाँ पे डेंसिटी सिग्मा वन कह दू और बाकी के रीजन में डेंसिटी क्या कह दू, मैं सिग्मा टू कह दू, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी, अब यहाँ पे आपको पता है अगर सिग्मा वन ज्यादा है किससे, सिग्मा टू से, तो आपके पास सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, इस रिलेशन से। तो आपके पास, तो आपने कहा सिग्मा वन बाई सिग्मा टू आर टू बाई आर वन होगा, तो आप लिखेंगे आर टू ज्यादा होगा आर वन से। अरे सिग्मा वन ज्यादा है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रेडियस कम है वहां पे, क्योंकि वहां पे चार्ज ज्यादा कंजेस्टेड होगा। अरे मान लिया एक तो आपके पास, एक तो आपके पास एक छोटी सी डब्बी है, उसमें तुम्हें एक किलो कॉटन भरना है, एक मैं कहूं एक बहुत बड़ा रूम है उसमें कॉटन को भरना है, तो डेंसिटी कहां पे ज्यादा कंजेस्टेड होगी, उस डब्बी के अंदर, और रूम में तो फैल जाएगा वो कॉटन। तो सेम लाइक यहाँ पे रेडियस कम है तो चार्ज ज्यादा कंजेस्टेड होगा, यहाँ पे रीजन ज्यादा है तो चार्ज फैल जाएगा, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा आपका, फैल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि इधर से कि डेंसिटी ज्यादा तो ई वन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी किससे, ई टू से। ई वन रीजन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी किससे, ई टू से बच्चों, ठीक है। तो देखो मैं यहां से क्या, देखिए ये मेटलिक सरफेस है बेटा, ये सरफेस कैसा है, मेटलिक, तो मेटल के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम।
पोटेंशियल कैसा होता है बच्चों? सेम होता है। तो मान लिया इस रीजन में पोटेंशियल V1 और इस रीजन में V2, तो V1 बराबर होगा किसके? V2 के। V1 किसके बराबर होगा? आपका V2 के, ठीक है। हाँ, अब आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है? के क्यू बाई आर, और एक पढ़ा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है किसी को? या बताऊं दोबारा से? देखो क्या था, V को क्या लिख सकते हो? के क्यू बाई आर। K का मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू क्यू। मैं R वन R से मल्टीप्लाई कर दू, R से डिवाइड कर दू, तो क्या बना? क्यू आर अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q बाई 4 पाई R स्क्वायर क्या बना? सिग्मा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो गया या नहीं आ गया? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये लिख के दिखाया मैंने, के को खोल लोगे, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड। शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी क्वेश्चन में प्रूव भी करवाया था। तो क्या बना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। हाँ, तो देखो आप क्या लिख सकते हो कि वी वन के कारण पोटेंशियल क्या आ गया? पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। मीडियम सेम है, अरे वही कंडक्टर है, तो मीडियम क्या है बच्चों? सेम। तो क्या लिखोगे? सिग्मा वन आर वन बराबर सिग्मा टू इंटू आर टू, यही है थ्योरम कहती है। लिख सकते हो सिग्मा आर बराबर कांस्टेंट, यही यूनिकनेस थ्योरम कहती है हमें कि अगर एक कंडक्टर है उसका रीजन अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, ठीक है। जहां पे एरिया कम होगा वहां डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? नोट करिए जल्दी से, बताइए इतना सबको समझ आ गया नहीं आया? एक लास्ट क्वेश्चन देखो, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला आपका, दिस इज योर यूनिकनेस थ्योरम। एक आईआईटी का क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, इसको नोट करिए आप जल्दी से। यस यस, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आए, वेरी गुड, ठीक है। यस, नोट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने बेटा? हाँ, अब आगे देखो, एक आईआईटी का क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ एक बार, मैं पूरा क्वेश्चन लिखती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाए। क्वेश्चन है, ए फिक्स्ड रिंग ऑफ रेडियस, आईआईटी क्वेश्चन है, रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q over its circumference, over its circumference
रेल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। एबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को पढ़ो सारे बच्चे, फिर मैं इसके ऑप्शन भी लिखती हूँ जो आपके एग्जाम में आए थे, इसको नोट करिए जल्दी से। ए बस स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, मुझे तो क्वेश्चन याद है पर आप लोग अपने समझने के लिए नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हटा दूं मैं एक बार, यस ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने, मैं हटा रही इसको। क्वेश्चन के ऑप्शन भी लिख देती हूँ मैं एक बार, ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन का, ए ऑप्शन में दे रखा है पाई बाई टू एम आर क्यूब के क्यू इंटू क्यू, बी ऑप्शन में है पाई एम आर क्यूब के क्यू इंटू क्यू, सी ऑप्शन में है पाई बाई फोर एम आर क्यूब के क्यू इंटू क्यू, ऑप्शन डी में है 2 पाई एम आर क्यू के क्यू इंटू क्यू, दीज आर द ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको गिवन है। यस क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक रिंग है इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक रिंग है इसके ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यस अब यहां से सेंटर से ए डिस्टेंस पर यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज, अपोजिट नेचर का, जैसा इसका नेचर है इससे अपोजिट, जैसा इसका नेचर है इससे अपोजिट, जिसका मास एम है यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये माइनस क्यू है, यहां पे मान लो कोई डी क्यू चार्ज है छोटा सा, तो ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सारे चार्जेज है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्शन लगाएगा, इसको खींचेगा इधर, देखो ये चार्ज ऐसे इधर से कोई चार्ज लगेगा, ये मान ली डी क्यू चार्ज है, ये इसको खींचे, ऐसे सारे डी क्यू सारे डी क्यू इसको इधर खींच रहे हैं, ऐसे ही देखो ये सारे डी क्यू इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं सारे डी क्यू, तो ये सारे चार्जेस इसको ऐसे खींचेंगे, तो ओवरऑल इस पर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये प्लस का क्यू है बच्चों, ये माइनस का क्यू है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन, ये चार्ज इसको ऐसे खींचेगा, तो सारे चार्जेस ये सारे डी क्यू इसको ऐसे खींचेगा, तो रिजल्टेंट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बताइए इसकी माइनस क्यू चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब ये जैसे सेंटर में पहुंचेगा तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, तो आपके पास फिर से इधर से फोर्स लगेगा मास एम के का, ये फिर से इधर जाएगा, तो इस तरीके से ये ओसिलेट होता रहेगा, ये चार्ज में क्या होगा, ओसिलेशन होगा, इससे क्या होगा, इसमें ये ओसिलेशन होगा। अब ये ओसिलेशन देखो मैथमेटिकली समझ लेते हैं, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्ज रिंग क्या था, के क्यू ए, ये रेडियस आर मान लू मैं, ठीक है, और ये आपका आर, आर स्केयर प्लस में ए स्केयर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्ज रिंग क्या थी बेटा, के क्यू ए अपॉन में आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2, ये कैपिटल क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्ज रिंग का ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एफ क्या होता है, क्यू ही, तो फोर्स एफ क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू इंटू ए अपॉन में आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2, बोलो ऐसे लगेगा फोर्स। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ता चार्ज रिंग, पीछे कोज लॉ जब समझाया था, पीछे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है वहां समझाया था आपको, बोलो तो फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू, इस चार्ज में रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है, हाँ
थी, ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन थी ये कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां से मैथमेटिकली भी ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि यहां पे ऑसिलेशन होगा क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के। तो यहां पे ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा, तो मैथमेटिकली भी ये बात समझ आ गई कि यहां पे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट के, तो ऑसिलेशन होगा चार्ज पार्टिकल का। एक बार पार्टिकल ऐसे आएगा फिर सेंटर से फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा फिर सेंटर से इधर जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपके पास अब आपको पता है बेटा मास के कारण भी एक्सेलरेशन होगा, चार्ज पार्टिकल का कुछ मास है तो मास के कारण भी क्या होगा बेटा एक्सेलरेशन। लेकिन देखो इसने क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है बेटा इसने हमें कि a लेस लेस देन है किससे r से, तो a को नेग्लिजिबल कर दो या नीचे से क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये बनेगा आपके पास r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या आया माइनस k q q a by r क्यूब। फोर्स कितना आ गया अभी बताती हूँ, सुनो इनमें फोर्स लगेगा इधर से, ये इसको इधर खींचेगा बेटा, तो जैसे ये सेंटर पे जाएगा तो इधर से मास के कारण फिर से अट्रैक्शन होगा, फिर से मास के कारण रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे सेंटर पे क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से बेटा, जितना फोर्स इधर से लगेगा इतना ही फोर्स इधर से लगेगा, तो आपके पास फिर से मास के कारण चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तो ये देखो, और वैसे ही मैथमेटिकली भी समझ आया कि F क्या फोर्स क्या है k q a अपॉन ये, देखो ये रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है तो ये डायरेक्शन कैसी है नेगेटिव, अगर आप मैथमेटिकली समझो, और वैसे भी अट्रैक्शन है मतलब नेगेटिव आया, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के तो ये कंडीशन किसकी होती है SHM की होती है, अरे ये कंडीशन किसकी होती है SHM की, मतलब ये पार्टिकल का यहां पे SHM मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा यहां पे, क्लियर ठीक है कनेक्ट, क्लियर बेटा कनेक्ट ठीक है। हाँ हाँ, अब आगे देखो यहां से एक आगे देखो यार, इधर मैं इसको हटा रही हूं, तो मेरे पास फोर्स क्या आया बेटा F बराबर माइनस के क्यू इंटू क्यू ए अपॉन में आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। अब क्वेश्चन में था कि a लेस लेस देन है किससे r से, हाँ तो a को नेग्लिजिबल कर दो, तो f बराबर आया माइनस k q a, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, हाँ तो ये बन जाएगा आपका r स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आया माइनस k q q a by r क्यूब, इतना आ गया बेटा यहां से ये, यस। अब देखो फोर्स F बराबर MA भी होगा, देखो ये A डिस्टेंस है बेटा, ये वाली डिस्टेंस है A, ठीक है हाँ, ये A डिस्टेंस है और ये A हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, MA बराबर माइनस K Q इंटू क्यू ए बाई आर क्यूब, तो m किसके बराबर आ गए, a एक्सेलरेशन क्या है माइनस k q q by r cube into a के। अब आपने जब SHM मोशन पढ़ा था, जब आपने बेटा SHM मोशन पढ़ा था तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, मैं ये ऑप्शन हटा रही हूँ, एक बार आप लोगों ने लिख लिया होगा ना ऑप्शन, यस मैं ऑप्शन हटा रही हूँ यहाँ से, हाँ सुनो जब आपने SHM मोशन पढ़ा था तो वहां आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू पढ़ी थी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और वाई का काम यहाँ पे कौन कर रहा है हमारे पास ए कर रहा है डिस्टेंस ए, हाँ तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, इसको वर्क कर दो इसको टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या आया, ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बराबर माइनस के क्यू क्यू ए बाई आर क्यू, ये आ जाएगा हाँ नहीं नहीं हर्ष सुनो सुनो हिमांशु भाई साहिल बेटा सुनो, अभी आप मिस्टेक कर रहे हो, अभी मैं बताऊंगी ये ऑप्शन डी नहीं होगा, हाँ रुको ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन
बेटा? यस, कर लिया। स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से। हाँ सुनिए सुनिए, तो क्या होगा यहां से आपके पास, ओमेगा को क्या लिख सकते हो बेटा? 2 पाई बाय टी, ठीक है? तो 2 पाई बाय टी बराबर के क्यू क्यू एम आर क्यू। तो टी टाइम निकालना है ना आपको, आपको क्या निकालना है बेटा? टाइम। हाँ टाइम, टाइम कैसे निकालो? उल्टा कर दो, टी बाय 2 पाई, तो एम आर क्यू के क्यू इंटू क्यू। तो टी बराबर आया 2 पाई, आपने यहां कट करा था साइन बेटा, के क्यू इंटू क्यू। अब देखो उसने क्वेश्चन में कहा था मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट पासिस थ्रू द सेंटर। सुनो, हाँ आप सुनिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए साहिल। क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा? द मिनिमम टाइम, ये टोटल टाइम है। देखो जब वो घूमेगा तो एक बार ऐसे फिर ऐसे, तो ये टोटल टाइम पीरियड टी आया कि पूरे ऑसिलेशन को होने में टोटल टाइम कितना लगा। ये कब आया बेटा? कि पूरे ऑसिलेशन को होने में टोटल टाइम कितना लगा, उसने पूछा है कि मिनिमम टाइम। जब वो यहां से इधर, इधर से इधर आएगा, जब वो इस ओरिजिन को यहां से जाके इधर क्रॉस करेगा जस्ट, वो मिनिमम टाइम बताना। तो देखो इधर गया टी टाइम, ठीक है, फिर इधर आया टी टाइम, फिर इधर आया टी, इधर टाइम टी। तो एक बार इधर टी टाइम में, फिर इधर टी टाइम में, फिर इधर टी टाइम में, फिर इधर, उसने पूछा जस्ट जब इसको क्रॉस करेगा। तो हमें ये टी निकालना है, तो मैं टी बराबर 4 टी कर सकती हूँ। हाँ 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 सुनो, तो मेरे पास 4 टी बराबर किसके आया? 2 पाई एम आर क्यूब के क्यू इंटू क्यू के। तो टी आ जाएगा 2 बाई 4 पाई एम आर क्यूब के क्यू इंटू क्यू के। तो 2 से 2 कैंसिल, तो टी बराबर 5 बाई 2 एम आर क्यू के क्यू इंटू क्यू। हालांकि ऑप्शन में आपको ये भी दे रखा था, ऑप्शन में ये भी गिवन है, हाँ, लेकिन ये कब है बेटा? जब टोटल टाइम पूछे आपसे। हाँ ये कब है? जब आपसे वो टोटल टाइम पीरियड पूछ रहा है, उसने पूछा मिनिमम टाइम व्हेन जस्ट इट क्रॉसेस द ओरिजिन, व्हेन इट जस्ट क्रॉसेस द ओरिजिन। तो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा? ये आएगा, दिस इज योर ऑप्शन। देखो क्वेश्चन में ऐसा भी इजी था, मैंने ऐसा कोई स्टेप था जो नहीं बता रखा था, प्लस वन और टू दोनों को मिक्स होके दोनों स्टेप मिक्स थे, पर क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं पूरे बोर्ड में क्वेश्चन लिख दिया मैडम ने तो, है ना? यस, कुछ क्वेश्चन और है वो कल डिस्कस करेंगे, और मंडे को टेस्ट है बेटा आपका। हाँ बाकी क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, वो थोड़े कंपटीशन एग्जाम के ही हैं, ठीक है? हाँ मंडे को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का टेस्ट है, सभी बच्चे तैयारी के साथ टेस्ट दे। हाँ